स्तिफनुस और फिलिप्पुस। पहले मसीह अगुओं का बीच में स्तिफनुस नौ को एक आदिम छो, सभी लोग वे का आदर करद छा, पवित्र आत्मा वे ते सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान कर छे। स्तिफनुस अल बहुत सा चमत्कार कर छा, जब वे यीशु पर विश्वास करना का बारे में ऊँते सीखे तो बहुत सा लोग लो विश्वास कर। एक दिन स्तिफनुस यीशु का बारे में सीखे छो और कुछ इन यहूदी आई जो यीशु पर विश्वास नहीं कर छो और वे दगड़ी घबराव कर शुरू कर। वो बहुत गुस्सा वेगी न इले वो धार्मिक गुओं में गई और वे का बारे में झूठ बोल। हमल स्तिफनुस ते मूसा और पिता परमेश्वर का बारे में बुरी बात बोल सुन। इले धार्मिक गुओं स्तिफनुस ते गिरफ्तार करी और वे ते महायाजक और यहूदियों का है का अगुओं का सामने लेके आए। और भी झूठा गवाह आई और ऊल स्तिफनुस का बारे में झूठ बोल। महायाजक कल स्तिफनुस बेटी पूछी, क्या यू लोग तेरे बारे में सच बोलना छा? स्तिफनुस अल महायाजक ने जवाब दीन को बहुत सी बातों ते बोलन शुरू कर दीन। वेल बोली कि अब्राहम का बगत से यीशु का बगत तक पिता परमेश्वर अल इज़राइल का लुखु को बहुत सा अनोखा काम करिन, पर लुखुल हमेशा पिता परमेश्वर की आज्ञा ते निमाय। स्तिफनुस अल बोली, तुम लोग पिता परमेश्वर का विरुद्ध ढीठ और बलवकन वाला हो, तुम हमेशा पवित्र आत्मा ते अस्वीकार करी, जनकि हमारे पुराणों हमेशा पवित्र आत्मा ते अस्वीकार और हमेशा वे का भविष्यवक्ताओं ते मार दीन, पर जो ऊल कैरी वे की तुलना में तुमल और भी बुर कैर, तुमल मसीह ते मार दीन। जब ऊ धार्मिक अगुओं यू सुनी तो ऊ इत गुस्सा वेगी न कि ऊल अपना कंदूड़ों ते बंद कर दीन और ऊंची आवाज में चिल्ले ऊ स्तिफनुस ते घसीटी के नगर बटी भैर लीगी न और वे थे मरुण को ढूंगा उठेन। जब स्तिफनुस मुरुण छो वेल बोली, हे यीशु मेरी आत्मा ते स्वीकार कर, तब वो अपना घुटनों पर गिरी और फिर से बोली, हे प्रभु यू पाप ऊँ पर नि लगे, तब ऊ मुर गए। वे दिन यरूशलेम में रोन वाला बहुत सा लोग यीशु की आज्ञा ते सुन और मरण वालों ते परेशान कन शुरू कर। इले विश्वासी लोग हैं का जगह पर भागिन, पर यहाँ का बाद भी जकैक भी उगेन ऊल यीशु का बारे में प्रचार कर। फिलिप्पुस नाव को एक विश्वासी छो, जनकि हैं का बहुत सा विश्वासियों बोल छो, वो भी यरूशलेम बटी भाग्य छो। वो सामरिया का क्षेत्र में चल गए, ओख ऊँ का लुखो में यीशु का बारे में प्रचार कर। बहुत सा लोग वे पर विश्वास करी और उद्धार पे। एक दिन फिलिप्पुस में पिता परमेश्वर की तरफा बटी एक स्वर्गदूत आई और वे बटी जंगल में जाणु को और एक सड़क पर चलण को बोल। फिलिप्पुस ओख चल गई। जब ऊ वी सड़क पर चलणु छो तो वे एक आदिम ते अपना रथ में जान दे कि यू आदिम कूस देश को एक महान अधिकारी छो। पवित्र आत्मा ले फिलिप्पुस बेटी बोली कि जय के वे आदिम का दगड़ा दगड़ चल। इले फिलिप्पुस रथ का समीण गई, वेल सुनी कि ऊ कूश पिता परमेश्वर का वचन ते पढ़ोणु छो, जो यशाया भविष्यवक्ता लिखियो छो ऊ वे ते पढ़ोणु छो। ऊ ते वध किए जान वाला ढिबरा का जन ली गए, अर्जन एक चुन को शांत रहो तो वेल भी एक शब्द नि बोली। ऊल वे दगड़ी बुर बर्तो कहरी और वे को आदर नि कहरी, ऊल वे ते जान से मार दीन। फिलिप्पुस अल वे कूसी बटी पूछी, जो तू पढ़नी छे क्या तू वे ते समझित भी छे? वे कुशिल जवाब दे, ना, जब तक कोई मी ते नि समझा लो तब तक मी ये ते नि समझ सकूद, कृपा कैरी के मेरे समीण ऐ के बैठ। यशाया यू अपना बारे में लिखणु छ या कै और का बारे में? फिलिप्पुस रथ पर चढ़ गए और बैठ गए। तब वेल वे कुसी आदिम ते ऊ बताई जो यशाया ल यीशु का बारे में लिख छो। फिलिप्पुस अल पिता परमेश्वर का वचन का बहुत सा है का हिस्सों की भी चर्चा कैरी। इनके वेल वे आदिम ते यीशु का बारे में शुभ संदेश सुने। फिलिप्पुस और ऊ कुसी चल के पानी का सामने आई। वे कुसिल बोली, देख एक पानी छ, क्या मैं बपतिस्मा ले सकूँ छो? और वेल रथ चलाण वाला सारथी को रथ ते रुकणु को बोल। तब ऊ पानी में चल गिन और फिलिप्पुस अल वे कुसी ते बपतिस्मा दीन। जब ऊ पानी बटी भैरेन तब पवित्र आत्मा अचानक ही फिलिप्पुस ते उठे के कह है की जगह पर ली गए।
उक फिलिपुस लुको ते यीशु का बारा मा बताणु रहे। उकुशी अपना घर की यात्रा पर अग्नि बढ़ गई। उखुश हो कि वो अब यीशु ते जान दुछ। प्रेरितों का काम 6:8, 8:5, 8:26-40 बटी एक बाइबल की कथा।